हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कल्पना, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल के एस किचन में। आज हम बनाएंगे कैरी का अचार, चलिए शुरू करते हैं। कैरी का अचार बनाने के लिए मैंने राई दाल ली है, मेथी है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा, सौंफ और हींग है। मैंने 2 किलो कैरी ली है। 1 कैरी के मैंने 8 टुकड़े कर लिए हैं और 1/2 लीटर तेल है। पैन गरम हो गया है, इसमें मेथी दाने को भूंज लेंगे खुशबू आने तक और कलर चेंज होने तक इनको भूंज लेंगे अच्छी तरह। मेथी दाने अच्छी तरह भुंज गए हैं, अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में जीरा भुंज लेते हैं। जीरा मैंने 4 चम्मच लिए हैं। जीरे भी अच्छी तरह भुंज गए हैं, देखिए अच्छी खुशबू आने लगी है इनमें। इनको भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिस प्लेट में मेथी निकाली थी। अब इसी पैन में मैंने 2 चम्मच सौंफ ली है, इसको भी भूंज लेंगे। सौंफ को भी मैंने भूंज लिया है, इसको भी अब उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में तेल को भी गरम कर लेते हैं, अच्छी तरह ये गरम हो जाए, इसमें भाप निकलने लगे जब तक इसको गरम कर लेते हैं। अब ये सौंफ, जीरे, मेथी भूंजे थे, इसको भी मिक्सी के जार में पीस लेंगे, बारीक पीस लेंगे। देखिए मैंने बारीक पीस लिया है। मैंने एक बड़ी थाली है, इसमें राई दाल डाल लेंगे, लाल मिर्च डाल लेंगे, हल्दी पाउडर डाल लेंगे और ये मसाले ये पीसे थे ना वो डाल लेंगे। हींग डाल लेंगे 1 चम्मच है और नमक डालेंगे 4 चम्मच नमक डालेंगे। तेल गरम हो रहा है, इतनी देर में ये मसाले मिक्स कर लेते हैं। तेल अच्छा गरम हो गया है, अब ये मसाले को साइड साइड में कर लेते हैं, बीच में जगह बना लेते हैं, जिससे इसमें तेल डाल देंगे बीच में। तेल अच्छी तरह गरम हो गया है, थोड़ा थोड़ा तेल डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इससे क्या है, तेल गरम गरम डालेंगे तो राई भी अच्छी तरह भुन जाएगी और मसाले भी और अच्छी तरह भुन जाएंगे। इसको अब ठंडा होने देते हैं और कैरी के अचार में तेल ज़्यादा डालें जिससे कैरी का अचार ख़राब ना हो और सालों साल चले। मसाला ठंडा हो गया है, अब इसमें कैरी डाल लेंगे। कैरी डालकर इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। जब मसाला ठंडा हो जाए, जब भी आप कैरी डालें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसको बिल्कुल ठंडा और होने देते हैं और फिर इसके बाद इसको कांच की बर्नी में भर लेंगे। कैरी का अचार बनकर तैयार हो गया है। इसको 5-6 घंटे इसी तरह रखा रहने देंगे, इसके बाद इसको कांच की बर्नी में भर देंगे।